देखो प्रैक्टिकल दीदी कैसे बोल रही थी हमारी कि प्रैक्टिकल आप सब ये अनुभव करेंगे और करेंगे। मैंने बीच में कहा बाबा 80 साल से प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं? बच्चे मुस्कुरा। कितने साल से? 82 साल हो गया। हमें तो मुस्कुराना नहीं, आपने सिखाए। चेहरा बिगाड़ हाँ बाबा आपने मुस्कुराना हमें सिखा दिया, लेकिन मुस्कुराहट। अच्छा सबको अभी हम शुरू करते हैं क्लास। सबको फरिश्ता बनना है, इस भट्टी अर्थात भरपूर ट्रेनिंग, भट्टी अर्थात। तो हम सभी 3 दिन भरपूर ट्रेनिंग करने वाले हैं, ठीक है? क्या करेंगे? नहीं मैंने पूछा क्या करेंगे। भट्टी, आजकल हिंदी और इंग्लिश में हम बात करते हैं ना, हिंदी में बात करते हैं या दूसरे किसी भी लैंग्वेज को ले लो, तेलुगु तमिल गुजराती मराठी कोई भी लैंग्वेज ले लो, लेकिन अपनी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश थोड़ा जोड़ देते हैं, है ना? नियम बन गया, परंपरा बन गया। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं, नहीं बोल के बात कैसे करते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब हिंदी है क्या? इंग्लिश, ये हर लैंग्वेज भी आज यूज करते हैं। क्या आप मुझे हेल्प करोगे? हेल्प माना इंग्लिश हो गया, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करते हैं। तो हम भी भट्टी में थोड़ा दो अक्षर को हिंदी और इंग्लिश को मिला के रखे हैं। भट्टी, भ में हिंदी भरपूर, बोलो भ में
अच्छी तरीके से इसलिए बाबा ने ये जो जगह को बनाया तपोवन को, इस तपोवन, तपोवन माना जहाँ तपस्या की जाती है, तो वहां हम तपस्या करने के लिए बैठे हैं। अपने तन मन को एकाग्र रखना है, हो सकता है एकाग्र माने क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आप बैठे हो, समझ लो सामने से कोई उठ के गया, कोई काम होगा, तो आप क्या करोगे, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, जरूरी है। पिछली बार भट्टी हो रही थी एक जगह पे, बहुत सारे भाई बहने बैठे थे, तो एक माता जी बाजू में से उठ के गई, दूसरी माता जी आपने ऐसे उठ के देख रही हो, जब तक वो पीछे तक नहीं वो देखती रही। ये सिर्फ एक ही नहीं, हम सबकी आदत पड़ी हुई है। समझ लो पहले आएंगे, कभी पानी का गिलास रखेंगे, कहीं फूल, कहीं कोई बात होगी, सामने वाले भाई आएंगे तो हमें उसको देखना जरूरी है, नहीं थोड़ा तो देख लेना, ऐसे देखे देखे ना किस भाई साउंड कैसे प्ले कर रहे, जरूरी है। तो इसलिए इस दो तीन दिन में अगर संपूर्ण फरिश्ता रूप का अनुभव करना चाहते हो तो अपने तन की एकाग्र बहुत जरूरी है। जब तन एकाग्र होगा तो मन भी। तो साधु संतों ने भी जो तपस्या सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन बाबा ने हमें सहज राजयोग बनाया, और सहज राजयोग इस तरीके से करें, इतना सहज भी ना बना दें, शरीर को ऐसे हिलाते रहें डुलाते रहें, तो थोड़ी सी दो तीन दिन हम पूरा तन और मन को एकाग्र करेंगे, किसी को एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पक्का। तो इस भक्ति में पक्का शब्द जो मैं बोलूंगा आप तीन बार पक्का पक्का बोलेंगे, पक्का, अरे तीन बार बोला दीदी मेरी करेंगे ना, उन्होंने कहा ना जो बोला जाएगा वो करना है, तभी वो फायदा होने वाला है। तीन बार बोला है, कितने बार, पक्का, हाँ देखो भाई जी ने परफेक्ट बोला, पक्का पहला वाला पक्का ठीक है, दूसरी वाला कमजोर और तीसरे वाला और कमजोर हो जाएगा।